सभी को नमस्कार। आज हम एरिया एंड वॉल्यूम में, क्षेत्रफल और आयतन में ये सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर की ये शेप है, यह डायग्राम बनाया हुआ है। ये यहाँ पर ये रेडियस है, त्रिज्या बोलते हैं इसको, और ये इसकी हाइट है। सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ये मेरे पास ये एग्जांपल है सिलेंडर का भी। तो सिलेंडर की ये इसकी यहाँ पर हाइट है और ये इसकी रेडियस है यहाँ पर। तो इसके अलावा हम सिलेंड्रिकल शेप में सिंपल सीधा एग्जांपल ये बता सकते हैं, जो रूफ पर छत पे जो पानी की टैंकी होती है वो सबसे अच्छा एग्जांपल आप बता सकते हो। उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। कोई भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh मैंने राइट किया। टोटल सर्फेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर। आयतन इसका है पाई आर स्क्वायर एच। नीचे बेसिक दिया हुआ है, बेसिक में ये आपका सर्कल है, सर्कल की ये परिधि दी हुई है, सर्कमफ्रेंस 2πr और एरिया πr स्क्वायर। अभी इसको हम डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। ये आपका यहाँ पर ये देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। ये कर्व सरफेस एरिया के अंदर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी ये ओपन है और यहाँ से भी ये ओपन है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको इधर से दिखाई देगा, यानी बोथ साइड ओपन है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ये जो पार्ट आपको मैंने हैंड लगा रहा हूँ जितने पार्ट पे, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अभी यहाँ देखिए, ये आपके पास ये सर्कल है, सर्कल के यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो, परिधि बोलते हो, तो वो होती है 2πr। यहाँ राइट किया हुआ है, ये इसका 2πr सर्कमफ्रेंस। तो ये आपकी सर्कमफ्रेंस है 2πr, और ये भी 2πr, इधर भी 2πr है। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया। पहले ये सिलेंडर था, अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर ये आप डिस्टेंस कवर कर चुके हो, बता चुके हो कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की 2πr है और ये इसकी हाइट है। तो ये रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ इसकी 2πr है और इसकी हाइट इसकी h है। जब 2πr को h से मल्टीप्लाई करोगे तो 2πrh आ जाएगा। ये मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पर, ये डॉट कर्व सरफेस एरिया 2πr मल्टीप्लाइड बाई h। तो ये 2πrh आ जाएगा। उसके अलावा उसके आगे हमने टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं उसको। ये आपके पास फिर से सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका। तो ये सिलेंडर के अंदर यहाँ देखिए, इसकी हाइट है और ये रेडियस है। यहाँ पे जनरली क्या है कि जो फर्स्ट नंबर पे था वो ओपन था बोथ साइड, लेकिन दिस इज क्लोज्ड, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। तो ये जो हम टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या लेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बोथ साइड दीज एरिया, तो इसका एरिया हम निकालेंगे। ये आपके पास सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने राइट किया हुआ है, सर्कल है, इसका एरिया ये पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पाई आर स्क्वायर इधर होगा, एक पाई आर स्क्वायर इसका एरिया लेगा। तो 2πr स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया 2πrh था, 2πrh को हमने यहाँ राइट किया, प्लस 2πr स्क्वायर। बहुत सो, ये तो 2πrh है और ये वाला πr स्क्वायर, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। 2πr हमने कॉमन लिया, यहाँ h बच जाएगा और r इधर r बच जाएगा, 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आयतन, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम सभी को मामले बताया हुआ है कि वॉल्यूम क्या होता है, इसकी क्षमता, इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है। वॉल्यूम का सीधा फार्मूला क्या है कि आप बेस जो है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका बेस ये है, तो बेस का एरिया क्या आपने निकाला हुआ है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को, ये इसकी हाइट है, पाई आर स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। देखिए ये इसका बेस है, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर राइट किया मल्टीप्लाइड बाई एच, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार हम इजी वे से ये बिल्कुल सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है अगर हम इस तीन एग्जांपल को लेके चलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।